सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि BGMI के अंदर सिल्वर फ्रेगमेंट्स के बहुत वैल्यू है। इससे आप फ्री में आउटफिट रिडीम कर सकते हो, गन के स्किन रिडीम कर सकते हो, एंड इवन जो एक्सूट के स्पिन्स रहते हैं वो भी गाइस आप सिल्वर फ्रेगमेंट से स्किन स्पिन कर सकते हो। उसमें से अगर आप लकी रहे तो आपको मिथिक इमोट मिल सकते हैं या फिर आपको मिथिक आउटफिट भी मिल सकते हैं। तो गाइस, BGMI के अंदर और पबजी मोबाइल के अंदर सिल्वर के बहुत वैल्यू है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप फ्री में कैसे बहुत सारे सिल्वर रिडीम कर सकते हो, इवन आप एक सीजन के अंदर मोर देन 10,000 सिल्वर रिडीम कर सकते हो। तो गाइस कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट ट्रिप से, तो उसके लिए गाइस सिंपली आपको क्या करना है, आपको शॉप के अंदर रिडीम का ऑप्शन मिलेगा, एंड यहाँ पे आप BP कॉइन से डेली आप 25 सिल्वर फ्रैगमेंट्स रिडीम कर सकते हो। अगर आपके पास 5,000 कॉइन्स हैं तो उससे गाइस आप डेली 25 सिल्वर रिडीम कर सकते हो। इससे गाइस आप लगभग एक सीजन में 1500 सिल्वर फ्रैगमेंट तक कलेक्ट कर सकते हो। तो अभी आते हैं हम हमारे गाइस नेक्स्ट टिप्स पे कि नेक्स्ट टिप कौन सा है जहाँ से आप सिल्वर रिडीम कर सके। तो उसके लिए आपको सिंपली आ जाना है आपके क्लैन में, एंड क्लैन के अंदर आपको शॉप दिखेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, शॉप के अंदर जो ये आउटफिट है, तो आपको ये आउटफिट डेली आप परचेस कर सकते हो अगर आपके पास क्लैन पॉइंट है। एंड अगर आपने एक बार ये परचेस कर चुका है तो आपको सेकेंड टाइम वापस ये आउटफिट को परचेस करने के लिए आपको क्लैन का जो लोगो है गाइस, आपको क्लैन का लोगो चेंज करना पड़ेगा, एंड वापस से जो आउटफिट आपके पास है एंड वो वाला लोगो आपको रखना पड़ेगा। आप एक दिन में एक बार कर सकते हो, आप दिन में एक क्लैन का लोगो चेंज कर सकते हो एंड दिन में एक आउटफिट रिडीम कर सकते हो। तो इससे गाइस आपको आउटफिट रिडीम करके आप डिसमेंटल करोगे तो इसका आपको 60 सिल्वर फ्रैगमेंट मिलेगा। तो यहाँ से आप लगभग डेली 60 सिल्वर फ्रैगमेंट कलेक्ट कर सकते हो। एंड थर्ड ट्रिक भी गाइस क्लैन से रिलेटेड है। तो सिंपली आपको क्लैन के अंदर जाना है एंड आपको यहाँ पे क्लैन ट्रेनिंग दिखेगा। तो अगर आप क्लैन ट्रेनिंग आपके क्लैन मेंबर कंप्लीट करे, टोटल 15 क्लैन ट्रेनिंग, तो यहाँ से गाइस आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आपको 3 क्रेट मिलेगी। तो फर्स्ट वन पे आपको अगर आप कलेक्ट करोगे तो उसमें गाइस आपको 3 सिल्वर फ्रैगमेंट मिलेगा, एंड सेकंड वन पे गाइस आपको 5 सिल्वर फ्रैगमेंट मिलेगा, एंड थर्ड वन पे गाइस आपको 2 क्लासिक के कूपन मिलेंगे। तो यहाँ से गाइस आप डेली 8 सिल्वर फ्रैगमेंट जमा कर सकते हो, डेली आप 8 जमा कर सकते हो। एंड एक और चीज़ है गाइस, वो भी क्लैन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्लैन में आपको एक क्लैन पर्क मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप अगर किसी आपके क्लैन मेंबर को कुछ मिलता है, आउटफिट्स वगैरह मिलते हैं, तो यहाँ से गाइस आप वो क्लैन पर्क में डालेगा तो यहाँ से आप सिल्वर वगैरह ले सकते हो, या फिर आपको क्लासिक के कूपन्स भी मिल जाएंगे, एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ से भी आप डेली 10 से 20 सिल्वर जमा कर सकते हो क्लैन पर्क से, क्योंकि ऑलमोस्ट दिन भर में किसी ना किसी को 1-2 चीज़ तो मिलती रहती है। तो वहाँ से अगर आपको 1-5-5 भी सिल्वर मिलेगा तो डेली का 10 सिल्वर हो जाएगा। एंड गाइस, अगर आपका क्लैन एक्टिव नहीं है, लाइक आपके वो 15 क्रेट्स वो कंप्लीट नहीं होते हैं एंड क्लैन पर्क्स भी नहीं आते, तो आप सिंपली मेरे क्लैन ज्वाइन कर सकते हो। मेरा डेली 15 जो क्रेट्स है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो तो मेरे क्लैन में भी आके ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा एंड उसका भी बेनिफिट हो जाएगा आउटफिट का। एंड थर्ड चीज़ है गाइस, वो है सोल्जर क्रेट। अगर आपके पास BP कॉइन्स है तो आप सिंपली यहाँ से क्या करना, आपको सोल्जर क्रेट से तो आपको सोल्जर क्रेट खोलना है। इसमें गाइस आपको चांसेस है सिल्वर फ्रैगमेंट मिलने के, एंड सेकेंड चांसेस है आपके आउटफिट मिलने के। तो आप आउटफिट को डिसमेंटल कर सकते हो, एंड अगर आपको डायरेक्टली सिल्वर मिल जाता है तो अच्छी बात है। जैसे कि मुझे क्लासिक कूपन्स मिल गए, वो भी 3 मिल गए, तो लाइक 3 क्लासिक कूपन इज़ नॉट बैड, बहुत ही अच्छा है। लाइक अगर इसका वैल्यू देखो तो 30 सिल्वर फ्रैगमेंट है 3 क्लासिक कूपन के। एंड सेकेंड क्रेट अगर आप खोलेंगे, लाइक आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या मिलता है, तो आपको सिल्वर फ्रैगमेंट भी मिल सकते हैं, एंड अगर आप खोलेंगे तो आपको आउटफिट भी मिल सकती है। तो आप उन चीज़ों को डिसमेंटल करके, आप आउटफिट को डिसमेंटल करके आप सिंपली सिल्वर फ्रैगमेंट ले सकते हो, या फिर आपको डायरेक्टली सोल्जर क्रेट से सिल्वर फ्रैगमेंट भी मिल सकता है, या फिर आपको कूपन्स मिलेंगे तो आप कूपन्स को रिडीम करके आप क्रेट खोल सकते हो। उसमें होप कि आपको सिल्वर मिल जाए या फिर आपको कोई आउटफिट मिल जाए, तो उस आउटफिट को आप रिडीम करके डिसमेंटल करके आप सिल्वर फ्रैगमेंट ले सकते हो। एंड फोर्थ चीज़ भी गाइस बिल्कुल सेम ही है। अगर आपके पास ज़्यादा प्रीमियम के कूपन से या फिर क्लासिक के कूपन से, जो कि आपको डेली अगर आप मिशंस करते हो या फिर आप अचीवमेंट्स करते हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो वो भी खोल के गाइस आप कपड़े डिसमेंटल करके या फिर डायरेक्ट आपको यहाँ से सिल्वर फ्रैगमेंट मिल सकता है। तो ये गाइस एक बहुत ही अच्छी टिप्स है, क्योंकि अगर मैं क्रेट ओपनिंग करता तो मेरे पास अगर 0 सिल्वर रहता है तो क्रेट ओपनिंग के बाद मेरा 200 सिल्वर 300 सिल्वर हो जाता है। एंड फोर्थ चीज़ है गाइस आप साइकिल रिवॉर्ड। तो गाइस यहाँ से आप जो सीजन टोकन रहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक्स है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ट्रिक है। तो यहाँ से गाइस आप टोटल 1-2,000 सिल्वर फ्रैगमेंट आप रिडीम कर सकते हो। तो अगर आपके पास सीजन टोकन है तो आप सीजन टोकन से 2,000 सिल्वर फ्रैगमेंट रिडीम कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको बस सीजन के अंदर आ जाना है एंड सीजन टोकन को यूज़ करना है गाइस आपको। तो टोटल आपको एक सीजन टोकन का आपको 2 सिल्वर फ्रैगमेंट मिलेगा, एंड आप इसको टोटल 1,000 टाइम यूज़ कर सकते हो, 1,000 टाइम आप रिडीम कर सकते हो सिल्वर फ्रैगमेंट को।
एंड उससे गैस आपका टोटल 2000 आप सिल्वर फ्रैगमेंट रिडीम कर सकते हैं। तो देखिए कि मेरे पास पहले गैस टोटल सिर्फ 7 सिल्वर फ्रैगमेंट्स थे एंड अभी मेरे पास 2110 सिल्वर जमा हो गए। तो अगर उसको हम साइड में भी रखें लाइक वो 2000 सिल्वर को जो टोकन से हमने रिडीम किए, फिर भी गैस हमको डेली का 103 सिल्वर मिल रहा है। अगर 3 को भी हम साइड में रखें तो डेली का हमको 100 सिल्वर मिल रहा है। तो आप लाइक ऐसे डेली 100 सिल्वर जमा करके ऑलमोस्ट आप 6 से 7 हज़ार एक सीज़न में ले सकते हो। एंड अगर आप सीज़न टोकन्स का भी रिडीम करो तो ऑलमोस्ट 10,000 तक आप रिडीम कर सकते हो सिल्वर फ्रैगमेंट। एंड इससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको सिल्वर फ्रैगमेंट से स्पिन करना है एक्सूट वाला तो वो भी कर सकते हो, एक्सूट के लिए बचा के रखे रह सकते हो। या फिर अगर आपको कोई गन की स्किन है अच्छी लग रही है या फिर कोई आउटफिट अच्छा लग रहा है तो आप रिडीम कर सकते हो। एंड एक और चीज़ है चीयर पार्क, अगर आप चीयर पार्क के अंदर जाते हो एंड वहाँ पर अगर आप 10 मिनट स्पेंड करते हो चीयर पार्क में लाइक कुछ भी कर सकते हो, आप ट्रेनिंग कर सकते हो या फिर इंजॉय कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको डेली 6 सिल्वर फ्रैगमेंट मिलेगा। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है सिल्वर कलेक्ट करने का। तो बस गाइस यही टिप्स से सिल्वर कलेक्ट करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इससे आपको पता चला कि आप कैसे सिल्वर ले सकते हो।